दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहोगे। आज मैं बिल्कुल नए तरीके की पॉपकॉर्न फ्राई करने वाली हूँ। ऐसा रेसिपी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। पॉपकॉर्न फ्राई के लिए मैंने पॉपकॉर्न ली हूँ अपने हिसाब से, थोड़ा सा चाट मसाला ली हूँ, लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर ली हूँ, आप तीखी भी ले सकते हो, थोड़ा सा शक्कर ली हूँ, काली मिर्च पाउडर ली हूँ और थोड़ा सा नमक ली हूँ। देखिए दोस्तों, सारा मसाला कटोरी में डाल के इस चम्मच से, 2 चम्मच के आसपास यानी 2 चम्मच से थोड़ा कम पानी डाल के इसको मैंने मिक्स कर दी हूँ। इसको 10 मिनट तक ऐसे ही रखूंगी, गर्म पानी में मिक्स की हूँ ताकि इसका जो टेस्ट है सब पानी के अंदर आ जाए। अभी इसको मैंने 10 मिनट तक रखूंगी, उसके बाद मैंने इसको चाय छन्नी से छान लूंगी। मैंने सारे मसाले को भिगा दी थी, अभी देखिए 10 मिनट हो गया, इसको मैंने चाय छन्नी से छान ली हूँ। देखिए इतना पानी निकला है। ज़्यादा पानी इसलिए हम नहीं डालेंगे, जब पॉपकॉर्न में ज़्यादा पानी नहीं टानता और ज़्यादा पानी डालने से फ्राई नहीं होगा सही से। और मसाले को हमने 10 मिनट तक गर्म पानी में भिगा के इसलिए छान लिए कि जो मसाला है वो बाद में जल जाता है और काले काले हो जाता है, तो इसके लिए हमने उसको छान लिए। अब इसको हम 1 चम्मच के सहारे अच्छे से मिक्स करके कम से कम इसको 15 मिनट तक इसको छोड़ देंगे हम। देखिए दोस्तों, हमारा 15 से 20 मिनट हो चुका है रख के। अब हमने कुकर चढ़ा दिए हैं गैस के ऊपर, उसमें हम तेल डाल दिए हैं थोड़ा। अब हम उसमें इसको पूरा उसी तरीके से डाल देंगे और इसको चलाएंगे। देखिए दोस्तों, ये अब फूटने लगा है। देखिए अब हम इसको ढक्कन से ढक देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पॉपकॉर्न फ्राई हो चुका है। तो आप भी इस तरह से ट्राई करिए, नमकीन, तीखा, मीठा और चटपटा सा टेस्ट इसमें आया है। इस तरह से आप ट्राई करिए। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो। और आप कमेंट करिए कैसा बना, अच्छा बना, बुरा बना, कुछ भी बना। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे बताए हुए रेसिपी पसंद आया या नहीं आया। तो प्लीज़ आप ट्राई करिए। इसमें 10 से 15 रुपये खर्चे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। मैं इतना इसलिए फ्राई की कि मेरे पास थोड़ा ही पॉपकॉर्न पहले से पड़ा हुआ था तो इतना फ्राई कर ली। हम माँ बेटी के लिए बहुत हो गया। तो आप इसी तरह से फ्राई करिए, आप कितना भी कर सकते हो। आप अपने अंदाज से अपना मसाला डाल सकते हो। 15 मिनट के जगह अगर और आधा घंटा इसमें छोड़ देंगे इसको भीगने के लिए तो और अच्छा ज़्यादा टेस्ट होगा। भीगने के लिए जब आधा घंटा छोड़ेंगे तो आप बीच बीच में इसको थोड़ा थोड़ा देर में उल्टा पुल्टा चला देने का, उलट पुलट कर देने का। तो प्लीज़ मेरे बताए हुए रेसिपी का आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, एक दूसरे के साथ शेयर करिए। आप लोग एक दूसरे के साथ खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। चलिए, वीडियो के यहीं पे, ब्लॉग के यहीं पे मैं एंड करती हूँ।